हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के बारे में, जहां पर दोस्तों बहुत लोगों को क्या हो रही है कि फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। मतलब दिक्कत क्या आ रही है कि जो लास्ट में दो फॉर्म भरना होता है उसी के लिए दो ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कैसे भरेंगे, उस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के बारे में बताएंगे कि उसमें अपने फॉर्म को कैसे भरेंगे, जमाकर्ता पंजीकरण कैसे करेंगे, उसमें लॉगिन कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे उसको लॉगिन करना है, तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके सामने उस फॉर्म को फिल करके लाइव करके दिखाऊंगा कि और उसमें कैसे आप लोग को क्या क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत लोग वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनका वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, मेरा जो भी वीडियो आता है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों को मैं सोचता हूँ कि जितना मतलब सहज कर सको उस काम को, जो काम को इसमें करना है, जो आसानी से आप लोग भर सकते हैं। लेकिन तो मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग भर ही नहीं सकते हैं, मैं तो इतना गारंटी है, क्योंकि आपके पास ना प्रिंटर मशीन है ना आपके पास वो कुछ भी है। लेकिन आप दुकान से भरवा सकते हैं, लेकिन जिनके पास प्रिंटर मशीन घर पे है वो ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे आप लोगों को फॉर्म को कैसे फिल करना है, वो दो कौन सा फॉर्म है और पैसा कब और कितना मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट फनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। अभी तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाकर फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल होते तो नीचे दिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर्म जिनको चाहिए वो लोग भी कमेंट कीजिएगा, मैं आगे का व्हाट्सअप नंबर उसमें डालूंगा या अपना मेरा ईमेल आईडी है उसमें हमको मेल कीजिए, मैं गारंटी के साथ आपको वो फॉर्म भेजूंगा। मैं मेरे से व्हाट्सअप पर एक बार बात कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल का जो फॉर्म है कैसे भरना है, ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोनों वेबसाइट के बारे में, जैसे कि सरकार द्वारा दोनों वेबसाइट है जो कि cooperationgovernment.in, ठीक है, और दूसरा एक वेबसाइट है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि mosepfundcrc.government.in। दोनों वेबसाइट का मैं अंतर बता देता हूँ। तो मैं आपको दोस्तों देख सकते हैं कॉपोरेशन का जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है ये आपके सामने देखने को मिल जा रही है, और दूसरी वेबसाइट ये है कि जो जहाँ पे हम पंजीकरण करते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट ये वाला जो लिंक आपके सामने देखने को मिल जा रही है, इस लिंक पे जब भी क्लिक करेंगे तो ये वाला डायरेक्ट आपको जहाँ पे फॉर्म को फिल करना है वहाँ पे आपको ला के रख देगा, ठीक है। और दूसरा दोस्तों कॉपोरेशन का जो गवर्नमेंट साइड है यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा व्हाट्स न्यू, ठीक है, सीआरसी सहारा लिखा है, उसी के नीचे देखेंगे रिफंड पोर्टल, रिफंड वीडियो, रिफंड ट्यूटोरियल दिया है, उसी पर रिफंड पोर्टल ऊपर जैसे ही लेंगे तो सेम टू सेम उसी वाला जो वेबसाइट है उसी के ऊपर दोबारा आप लोग पहुँच जाएंगे। देख सकते पहुँच गए। तो यहाँ पे इस कॉपी को हम साइड में करेंगे और आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पे करना है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे जमाकर्ता का पंजीकरण के ऊपर जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिले, जहाँ पे लिखा है आधार नंबर का जो चार अंक है, जो आपका लास्ट का चार अंक है, यहाँ पे डालिए, ठीक है। उससे जुड़ा हुआ अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए, जिस पे आपका ओटीपी आएगा, यहाँ पे डालने के बाद ओटीपी यहाँ प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पे ये वाला जो वेबसाइट है इस वेबसाइट को अपने कंप्यूटर या मोबाइल में लॉगिन करना है, जो भी है www.mosepfund.crc.government.in, ठीक है, इसको क्लिक करना है तो आप ये वाला पेज पाएंगे। जैसे जैसे मैं शुरू में यहाँ पे बताया ये वाला पेज पाएँ तो यहाँ ये वाला पेज पे आप आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आने के दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा जमाकर्ता पंजीकरण, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें, ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं पहले बताया कि चार अंक का जो आधार कार्ड का जो लास्ट का चार अंक है इस वाला बॉक्स में डालना है, दूसरा बॉक्स में आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक है, जिनका जिनका लिंक नहीं है वो तुरंत जाकर इसको लिंक करवा सकते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर टू की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आधार कार्ड और डाले, अपना मोबाइल नंबर डाले और यहाँ पे ओटीपी जो भी है ओटीपी यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ क्या जैसे कि यहाँ का नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ पे लिखा होगा जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक कर, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक कर, ठीक है। अब दोस्तों जमाकर्ता लॉगिन पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपका एक बार आधार कार्ड जो कि चार अंक का जो आधार कार्ड है फिर से मांगेगा, फिर आपका 10 अंक का मोबाइल मांगेगा, फिर ओटीपी पे यहाँ पे ओटीपी प्राप्त पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ओटीपी डाल के आगे बढ़ेंगे, ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पे कुछ आगे का जो लिखा होगा आधार डेटा का उपयोग करने के जमाकर्ता की सहमति, मतलब ये जो फॉर्म है इसके अंदर लिखा होगा मैं इलेक्ट्रॉनिक के लिए पोर, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद यहाँ पे लिखा होगा नियम और शर्तें पर। अब जैसे दोस्तों देख सकते हैं नियम और शर्तें के ऊपर क्लिक कर, जैसे यहाँ पर लिखा होगा मैं सहमत हूँ बटन पे के ऊपर क्लिक कर, तो यहाँ पे क्लिक कर देना, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा जो कि 12 नंबर आधार कार्ड का जो 12 अंक का आधार कार्ड होता है इसमें डालना है, फिर से आपका मोबाइल पोर्ट भी जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा पिछला, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपका आधार कार्ड यहाँ पे जैसे डालेंगे आधार कार्ड यहाँ पे डाल देना है, ओटीपी यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है, जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर शो कर देगा और यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद आगे का विवरण आधार पे प्राप्त किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा होगा विवरण आधार से प्राप्त किया गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग करना क्या है,
तो जो भी आपके आधार कार्ड में आपका नेम होगा, जो पता होगा, उपनाम होगा, जो तिथि होगा, पिता पति का नाम होगा, ये ऑटोमेटिक ये बॉक्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा पिता और पति का नाम, डालने के बाद यहाँ पे ईमेल लिखा होगा, ईमेल डालना है, ठीक है। ईमेल डालने के बाद दोस्तों आप लोग को अगला के ऊपर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा दिखाएगा दिखाएगा विवरण दर्ज करें, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देख लीजिएगा, सदस्य की संख्या, खाता संख्या, आपका जो खाता खोलने की तिथि क्या थी, उसमें कोई पूछताछ हुआ था कि नहीं हुआ था, सब करने के बाद फिर से एक स्टेप आगे जाना है। एक स्टेप जाएंगे तो यहाँ पे आपको चारों सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी में फॉर्म फिल किए, जैसे कि ए हो गया, HISCCL मतलब कि जो हमारा इंडिया सोशल जो है वो हो गया, जो कि आपका मतलब यूपी बिहार मध्य प्रदेश झारखंड में अलग अलग है, तो यहाँ पर अलग अलग देखने को आपको फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ चेक इन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगी, जो फॉर्म पर मैं बात कर रहा हूँ, तो फॉर्म यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि ये वाला जो फॉर्म है यही आप लोग से नहीं भरा पा जाएगा। क्यों नहीं भर पाएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस फॉर्म का आपको फोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये फॉर्म किसी ने नहीं बताया होगा, आप लोग को बोलते हैं चलिए मैं आपको ऑनलाइन भरना मैं सिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को आपको ट्रू कॉपी निकलवाना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फॉर्म जरूर दूंगा और मैं बताऊंगा, उसमें मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप लोग कमेंट कीजिए कि सर ये फॉर्म मेरे पास नहीं है, इस फॉर्म को मेरे को भेजिए, मैं आपसे बात करूंगा और आगे की बात करूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे फोटो लगाइए, फोटो लगाने के बाद यहाँ पर पूरी डिटेल भरना है, डिटेल भरने के बाद यहाँ पर हस्ताक्षर करना है और फिर से इस फॉर्म को अपने जो कि स्कैनर में डालना है, स्कैन करके फिर भी यहाँ पे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि सब कुछ करने के बाद आपको कितना दावा करना है, जैसे कि अपलोड दस्तावेज स्क्रीन पे मतलब यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर दावा किया पैन कार्ड प्रति अपलोड करें, जो यदि 50,000 रुपये से अधिक है तो पैन कार्ड अपलोड करें। तो मतलब यहाँ पर लिखा गया कि अगर आपके पास पैन कार्ड है, जैसे कि पैन कार्ड मतलब कब यूज करना है, कि अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में 50,000 से ऊपर की है, मतलब 50,000 से ऊपर की राशि है, तो आपको पैन कार्ड देना जरूरी है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर 50,000 कमती है तो आपको पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो पूरे डॉक्यूमेंट्स आप मैं बोलूंगा तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को ही आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब कुछ होने पर यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा, धन्यवाद, हम आपके दावों को की प्राप्ति स्वीकार करते हैं, आपका दावा अनुरोध संख्या है जो भी है, यहाँ पे आपका अनुरोध संख्या आ जाएगा, भविष्य में संदर्भ के लिए, भविष्य संदर्भ के लिए और भविष्य संदर्भ के लिए, ठीक है। और जो भी होगा मतलब कि यहाँ पे आपका नाम डिटेल जो भी आएगा इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे लिखने के लिए आपका अकाउंट नंबर और यहाँ पे सब कुछ अनुरोध संख्या जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि पूरी डिटेल थी जो कि आज की इस वीडियो में डिटेल में बताया कि फॉर्म को फिल कैसे करना है और इसमें हमें क्या क्या करना है, पैसा कितना है, जो भी आपका पैसा फंसा हुआ है उसमें पैसा को फिल करना है और आगे की प्रोसेस करना है। आप लोग को इसमें क्या होगा कि जब भी फॉर्म पूरी डिटेल पूरी तरह से फिल हो जाएगी तो आपको 30 दिन लगेंगे इस पूरी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई होने के बाद आप लोगों को 15 दिन लगेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक है उसमें आपके अकाउंट में आराम से पैसा आ जाएगा, ठीक है। अभी इस पूरे डिटेल में फॉर्म को फिल करने के बाद आप लोग के मन में कोई भी सवाल होते हैं, जैसे कि आप फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास और जो दो में फॉर्म दिखाया वो फॉर्म आपके पास नहीं है, तो इसी वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसे हमें कमेंट कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप उस पर कमेंट कीजिए कि सर हमको फॉर्म चाहिए, वो फॉर्म मैं आपके लिए डायरेक्ट मैं तुरंत आपको मैं व्हाट्सअप करूँगा, आपका जो किसी भी दुकान से जाकर उसका प्रिंट आउट निकाल कर उस पर फोटो चिपकाना है, और जो भी है उसमें भी मैं बताऊँगा उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसके लिए मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा इसी वीडियो के बाद, तो मैं कहूँगा उसको भी भरना आप लोग जानेंगे। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।